ऑल राइट माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज अशाम रईस। आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपको बताऊं कराची का मौसम चेक कर रहे हो नहीं, मतलब चेक कर रहे हो इस बारिश में शॉपर लगाया हुआ, चेक करो, मतलब बारिश खतरनाक किस्म की हो गई है, मज़ा आ गया भाई। तो आज के व्लॉग में मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को मवेशी मंडी लेके जाऊँ और उसकी अपडेट दूँ कि भाई मवेशी मंडी जिंदा है नहीं है, क्या सीन चल रहा है वहाँ पर, रेट गिरे हैं या ज़्यादा ही हैं, तो ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे आज की मवेशी मंडी जाकर। तो पहुँच गए तो व्लॉग आ जाएगा, नहीं पहुँचे तो भी आ जाएगा व्लॉग, तो पता है आपको आ ही जाएगा इंशाल्लाह। तो मवेशी मंडी पहुँच के अपडेट देते हैं, और यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब करके लाजमी जाना, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस टाइम मंडी आ चुके हैं हम लोग, दिन नहीं हो रही, रात हो रहा है। दिन में आप लोगों को बताया था मंडी जा रहा हूँ, पर दिन में आते आते पूरी यहाँ रात हो गई है, क्योंकि कराची में जो है वो पानी ख़त्म हो गया था, बढ़ गया था उस टाइम पर शुरू में, बट अब पानी ख़त्म हो गया, बट मंडी में इस टाइम पानी भी जमा हुआ और चिकनाहट भी बहुत है। हसन इस्लाम मेरे साथ आया, तो हसन आपको आते ही मतलब मंडी में क्या नज़र आया सबसे पहले? भाई मंडी में जो ना ऐसा है कि भाई आ रहे हैं तो पाँव स्लिप हो रहे हैं, सही है, आप आए तो जॉगर्स पहन करके आए हैं, स्लीपर्स वगैरह पर बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि आते ही ना ज़रा सा भी और पाँव जमा के रखे हैं जो है। हाँ मतलब ये ज़रूरी है, जो ना हल्का हो रहा है, बाइक वगैरह पे जो है उसके में बड़े एहतियात से चलाएँ, क्योंकि चिकनाहट बहुत हो रही है ना, हाथ पाई के स्लिप हो रही है। तो एक आध का हमने यहाँ पर सौदा बनते हुए भी देखा, बट मंडी बिल्कुल ही खाली है और लोग आ रहे हैं देख रहे हैं, कुछ लोग फ़ायदा उठा के एक आध सौदा हमने देख लिया कि हो गया है, और पीछे ट्रक जा रहा है दिख रहा है आप लोगों को, खाली है सारा सीन ना, तो एक आध का सौदा हमने देखा है, बट मंडी इस टाइम बारिश के टाइम पर खाली है। वो वाली बात नहीं थी जो पिछले साल जो लोग आ रहे थे और देख रहे थे कि मंडी में जो है ना जिस तरह बारिश स्टार्ट हुई तो सौदे बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलते हैं अभी एक आध देखते हैं, किसी से रेट लेते हैं कि भाई कोई रेट पे फ़र्क आया ही नहीं आया है, वरना मंडी की और अपडेट देते हैं आपको, बताते हैं कि क्या सिचुएशन है मंडी की। भाई बिक गया है क्या? बिक गया है ये जानवर, बिक गया है, क्या मांग रहे हो उसके? अच्छा हसन साहब पूछ, इसके क्या मांग रहे हैं, ज़रा रेट लें। साईं क्या मांग रहे हो उसके? इसका 160 भाई जान। 160 मांग रहे हो, कहाँ का है? सिंध का है। सिंध का है, दो दांत है, बच्चिया है भाई। सारे छत कवर है ये वाली का, और ये जो आगे ये वाली खड़ी हुई है 160, एक से नीचे वाला नहीं है कोई, कोई एक आदमी नहीं है, सारे 100 ऊपर वाले। तो भाई यहाँ पर आप आओगे तो लाइटों का इंतज़ाम नहीं है, अपनी टॉर्च वगैरह लेकर के आए भाई। अपनी टॉर्च लाएं, अपने साथ सामान लाएं, अगर रात को आ रहे हैं, जानवर तो आपको नज़र आ ही नहीं रहा होगा, यहाँ पर बिल्कुल ही अंधेरा है। आगे चलते हैं, क्या हाल है? बंदी से गल कर रहे हो हैं, गल कर रहे हो किसी से? उस्ताद एक से नीचे वाला जानवर दिखाओ। हाँ ये वाला, ये कितने मांग रहे हो इसके? खड़ा करो, बछड़ा है, बछिया है, नब्बे यार, 90 वाला तो है नहीं यार, ये ऐसा तो नहीं, जाती तो नहीं करो ना, 90 मांग रहे हो तुम। आज उतारे गाड़ी पे हैं, आज उतारो कल उतारो, 9 अभी बनाओ, सौदा बनाओ, बताओ क्या दो? 45,000 रुपये कितने में छोड़ेगा? 1,000 कम दो, कितने? 1,000 कम दो, 1,000 कम दो, मैं 1,000 रुपये बढ़ा देता हूँ फिर। ये वाली 120 मांग रहे हैं भाई इसके, बारिश की वजह से हाल देखो क्या हो गया,
पूरी जो है ना ये चिकनाहट चिकनाहट हो रही है भाई। जानवर इस टाइम थोड़ी बहुत ना गीले में बैठे हैं और थोड़े टेंट की वजह से पानी वानी की बचत हो गई है। गिरे वाले हाँ एक पाँच कहाँ करें तुझे, मैंने बोला था एक से नीचे वाला दिखा, साठ वाला जानवर को ये क्यों नहीं साठ वाला। अब हम भैंस कॉलोनी की मंडी में गए, मलेर की मंडी में गए, वहाँ पे साठ का मिल रहा था, यहाँ साठ का नहीं दे रहा तू। ये तो साठ का होगा, ये वाला जो सामने खड़ा हुआ है नहीं होगा भाई। वो कितने का है वो वाला? हाँ एक चालीस का। वो एक चालीस का? ये तो हमसे खेल रहा है ना, इधर दिखा शक्ल। मैं नहीं खेल रहा हूँ भाई। ये एक चालीस का मांग रहा है यार तू। सिचुएशन ये है कि बात बहुत बहुत महंगा जानवर मिल रहा है और लाइटों का इंतजाम आपको पीछे नज़र आ रहा है कि बिल्कुल भी नहीं है। और हसन की कुछ ओपिनियन है, हसन क्या है? मेरी नज़र में जो है ना आप लोग मलिर मंडी सही है और भैंस कॉलोनी, ये दो मंडियाँ जो है ना विजिट करो, चल रही हैं यहाँ पर विजिट करें सही है। मेरे कुछ जानने वाले लेकर भी आए हैं तो बहुत अच्छा और सस्ता जानवर जो है ना, जो उनकी रेंज थी आपकी रेंज के मुताबिक इंशाल्लाह वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन जो है ना यहाँ पर जो है ना वो बात नहीं आ रही है जो ना आनी चाहिए खराब करके, बाकी नसीब के ऊपर है कि इंशाल्लाह सौदे बनाने वाले बना रहे हैं, पर बहुत महंगा जानवर है यार। इनके रेट जो ना सुन करके वो एक 40 बोल रहा था, मैंने समझा यार शायद तू मजाक कर रहा है भाई हमसे खेल रहा था, वो कह रहा है नहीं भाई सीरियस एक 40 का है ये जानवर, तो रेट थोड़े से हाई है। तो बस शराबपुर की मंडी आओ तो बस ये सब चीज़ें देखो, बारिश हो गई रेट लेने के लिए पहुँचे आसमान पे पहुँचे आसमान पे पहुँचे हुए वही है। मैं दोबारा से भी बात करूँगा आप लोग मलिर मंडी और भैंस कॉलोनी वगैरह पे विजिट करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनके दिमाग बहुत नीचे चढ़े हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 55,000 रुपये तक तो होना चाहिए था ये, लेकिन इसके लिए ये 110,000 रुपये मांग रहे हैं ना। ये देखें लाइव देखने में और वीडियो में देखने में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क इस जानवर की मेरे पीछे नज़र आ रहा है आपको। 110 कितने मांग रहा था इसके? 110 हाँ 120 मांग रहा था, 10,000 रुपये और ऊपर बढ़ा लो, 120 का था भाई ये जानवर। लेकिन ये वो चीज़ है ही नहीं जो 120 वाली चीज़ जो है ही नहीं यार। आगे जाते हैं थोड़ी और चीज़ देखते हैं। सामने सिब्बी के जानवर नज़र आए, पूरी पट्टी सिब्बी के जानवर की है, तो कुछ रेट लेते हैं, पूछते हैं उन जानवर के बारे में कि भाई कितने का दे रहे हैं यहाँ पर सिब्बी, तो लेट्स सी चेक करते हैं ये सिब्बी कितने का। आओ हसन ये भी सिब्बी है? हाँ छोटा सिब्बी लग रहा है ये, माशाल्लाह खड़ा हुआ है भाई। सलाम अलैकुम, चार दांत का तो होगा ये, चार दांत का तो होगा है ना, क्या मांग रहे हो उसके? 22 लाख। और ये वाला जो खड़ा हुआ है इसका भी 22, दोनों 22 के हैं सबसे, मतलब ये छोटा सिब्बी है क्या है ये? सारे सिब्बी है ना तुम्हारे पास? सिब्बी का बच्चा है क्या है? दो दांत वाला, क्या मांग रहे हो उसके? 160 दिखाऊं मैं जरा इन लोगों को भाई, 160 वाला सिब्बी खड़ा कर दूं? चल सिब्बी खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। हाँ तो भाई ये सिब्बी है, ये हाइट हसन साथ खड़ा हो पता चले हाइट इसकी, जरा ये सिब्बी है पर ये आई डोंट नो कि हमें लग नहीं रहा था सिब्बी है, तो बहुत अच्छा सिब्बी है ये। ये मिनी सिब्बी है और 160,000 रुपये मांग रहे हैं। 160,000 रुपये का सिब्बी है भाई ये, इनका फुल टाइम दिमाग खराब हो चुका है भाई। आप लोगों को वही बात बताओ, 160,000 रुपये का सिब्बी लेंगे यार? ये भी सिब्बी है भाई, सिब्बी दिखा देता हूँ आपको आए तो मंडी, और ये भी सिब्बी से आए में सो रहे हैं जो, ये भी सिब्बी है। माशाल्लाह अच्छा खासी ऊंचा जानवर है भाई ये, लात ना पड़े बाकी खैर है आपसे। सिब्बी है, ये भी सिब्बी है भाई। वेयर ये छोटे मुंह की और टेंट की वजह से भाई बचे में ये। उस्ताद बारिश वारिश की वजह से मसला तो नहीं हुआ सही है ना? हैं यहाँ नहीं हुई है बारिश, हल्की पुल्की हुई है मतलब। चलो बेहतर है, चलो ऐसा अगर बारिश हो गई खुदा ना खास्ता ठीक ठाक एक ऐसी, अल्लाह ना करे तुम्हारी तरफ हो, तुम्हारा रेट तो फ़र्क आता है, रेट ज़्यादा हो जाएगा बारिश, रेट ज़्यादा हो जाता है, पिछले साल तो कम हुआ था, पिछले साल तो कम हुआ था, इस साल अभी शुरू में बारिश है ना, बारिश होगी माल लोग नहीं लाएंगे दूसरा माल, ये कम लगेगा। अच्छा
इस दफा तो माल भी कम आया हुआ है ना, सारा खाली है ना, वही तो बोलो माल आया ही नहीं है इस दफा तो यार, क्यों नहीं आया? कस्टमर वगैरह आ रहा है लेने के लिए, ज़्यादा लोग आ रहे हैं या कम आ रहे हैं? आ रहे हैं, माल बिका है अभी तक? बिका है, चलो गुड़ है यार, माशाल्लाह निकले, अल्लाह करे तुम्हारा माल भाई चले। एक दाना बिका है अभी तक? कब से आए हो आप? 15 दिन हो गए, 15 दिन में अभी तक एक दाना बिका है। चलो इंशाल्लाह आगे आगे दिन, हाँ इंशाल्लाह आगे आगे दिन आता रहेगा। तो चलो बाकी सारा सिब्बी का है, सिब्बी के यहाँ पर जानवर देख रहे थे हम, और एक के बाद एक सिब्बी का जानवर रेट तो एक आध के लिए 22 लाख 24 लाख नॉट कमिंग स्लो चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये सीन है कि भाई यहाँ पर 15 दिन से आए हुए हैं, अभी तक इनका एक जानवर बिका है, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग लेने के लिए कम आए हुए जानवर और देखने के लिए ज़्यादा आए हुए। तो आगे चलते हैं और जानवर दिखाते हैं आपको। लाइक दोस्तों यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, तो ये सिब्बी का सौदा हो गया है, सिब्बी के जानवर ही देख रहे हैं, तो माशाल्लाह सिब्बी का ही सौदा हो गया है, तो तकरीबन 1 लाख समथिंग का बता रहे हैं जानवर ये। तो पूछते हैं इनसे सिब्बी के रेट पूछते हैं, और बाकी सारी चीज़ें पूछते हैं कि सिब्बी का रेट कितने का लिया यहाँ पर सिब्बी, और बता रहे हैं कि आते इनको पसंद आ गया और सिब्बी का जानवर ले लिया। तो लेट्स ही चेक करते हैं, इनसे पूछते हैं कि सिब्बी का जानवर कितने का लिया। सिब्बी कितने में लिया? 1.5 लाख। 1.5 लाख का लिया, माशाल्लाह। ये कब से घूम रहे थे आप मंडी पे यहाँ पर? आधा घंटे में। सिब्बी का ही मूड था लेने का? अच्छा, चलो सिब्बी की पट्टी पे आएगा, सिब्बी ले लिया आप लोगों ने सर। चलो यार माशाल्लाह माशाल्लाह। इस टाइम हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, बट आप लोग देखो रोड जो है ना आप लोगों को बिल्कुल ही खाली मिलेगा, और अंदर जाओगे तो आपको बिल्कुल ही चिकनाहट वाली मिट्टी मिलेगी। और आप लोगों को दूसरी बात बता दूं, ये वाला व्लॉग मैं अपनी बारिश की वजह से कैमरा लेके नहीं आया, मोबाइल में शूट कर रहा हूँ टोटल, और सोचा कि यार यहाँ पर जा रहे हैं तो पूरा व्लॉग कंप्लीट करें। हसन इस्लाम को मैं साथ लेकर आया था फिर से, और सीन ऐसा है कि भाई बहुत महंगी मंडी चल रही है, कहीं पर भी जो है ना ऐसा जानवर नहीं मिल रहा जहाँ पर हम दोनों थोड़ी सी मिलके बार्गेनिंग तक कर लें, स्टार्ट कर लें कि सौदा बना लें। और पर नसीब के ऊपर यार लेने वाले लोग लेके जा रहे हैं यहाँ पर जानवर, हम लोगों को बहुत सारे सौदे से मिले, सिब्बी का जानवर आपने देखा वो लोग जानवर लेकर गए, तो सीन तो ऑन चल रहा है। बट ये कि नॉर्मल बंदे के लिए ना बहुत हो गया, बहुत पीछे चले गए वो लोग ना, मतलब मिल नहीं पा रहा छोटा जानवर। तो इंशाल्लाह यार आओ सराबगोड़ की मंडी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, बट आई रिकमेंड, और हसन का भी यही ओपिनियन होगा कि भैंस कॉलोनी और मलिर मंडी को लाजमी टच कर लेना एक दफ़ा, रेट से बहुत फ़र्क है उस रेट पे ना। तो लोग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।